कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को दिया करारी शिकस्त, दर्ज की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न शुरू। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, तो वहीं मंडला की निवास सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को भाजपा ने निवास सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा की लहर के बावजूद फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े से चुनाव हार गए हैं। निवास विधानसभा सीट को महाकौशल की लकी सीट माना जाता है, और इसे लेकर एक मिथक था कि यहां जो पार्टी जीत दर्ज करती है उसी की ही प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन इस बार ये मिथक टूट गया और भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गई, जबकि प्रदेश में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है। 64 साल के फग्गन सिंह पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में इस्पात राज्य मंत्री हैं, 17वीं लोकसभा के सांसद हैं, 2009 से मंडला सीट का नेतृत्व किया है। कांग्रेस की मजबूत सीट होने के कारण यहां भाजपा ने दिग्गज नेता को चुनाव में उतारा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। वहीं आपको बता दें, 51 साल के चैन सिंह वरकड़े एमए हिंदी हैं, 1994 से 99 तक ग्राम कोहका के सरपंच रहे, 2005 से 2009 तक जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे, 2017 से 22 तक एक बार निवास नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, और क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था।